हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय चैनल रोजी क्रिएटिविटी। और आज मैं बनाने वाली हूँ लहरिया सलवार, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है। हमने बहुत ही इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है, तो आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे। तो मेरा कमर का मेज़रमेंट है 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 20 इंच। प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए लूँगी, तो मैं 21 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और लेंथ ले रही हूँ 9 इंच। यहाँ भी मार्क कर लेना है 9 इंच पे। सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब मैं सेंटर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। मैं दोनों पैर वाले सेंटर पार्ट एक ही साथ निकालूंगी। इलेवन इंच चौड़ा मैंने कपड़ा को फोल्ड किया है। ये देखिए मेरा 11 इंच है और मेरा लेंथ है वो है 40 इंच। 40 + 40 मेरा आ जाएगा 80 इंच। उसके बाद हमें यहाँ सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ भी कटिंग करना है। तो हमने यहाँ कटिंग कर लिया है। ये देखिए मेरा यहाँ 4 पार्ट है। हमें यहाँ पर अटैच करना है 2-2 पार्ट को एक साथ। उसके बाद हम कली निकालेंगे। तो जो बचा कपड़ा है उससे हम कली निकालेंगे। तो हमें कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है। यहाँ आसन लेंगे 9 इंच और यहाँ भी 9 इंच। अब 2 इंच लेकर यहाँ हम थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को हम मिला लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। पहली हो गया है। जैसे कि ये मेरा कपड़ा है तो मैं इसे इस तरह से 4 फोल्ड की हूँ। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ भी कटिंग कर लेना है। तो ये मेरा 4 पार्ट हो गया। अब हमें इस तरह से जोड़ना है। तो मेरा 1 पार्ट था 40 इंच + 40 इंच को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल आ जाएगा 80 इंच। अब जो कपड़ा बचा था उससे हम कली निकालेंगे।
तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड हमने आसन के लिए मार्क किया है 9-9 इंच पे। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने 4 कली निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले सेंटर वाले पार्ट को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें प्लेटें लगानी है। इसका डायरेक्शन हम ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से। हम जो प्लेटें लगाएंगे वो हम फाइनली हम कली में लगाएंगे। इस तरह से स्टिचिंग करनी है। इस तरह से दूसरी कली को भी हम रखेंगे और इस तरह से सेम उसी तरह से हमें यहाँ भी प्लेटें लगानी है। तो मेरा सेंटर वाला पार्ट बीच में आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट रेडी कर लेंगे। बेल्ट रेडी हो गया है। उसके बाद ये मेरा सेंटर वाला पार्ट है। जिस तरह से हमने अभी पेपर में बताया था उसी तरह से जॉइंट करना है। अब हमें प्लेटें लगानी हैं जिस तरह से पेपर में हमने बताया था उसी तरह से। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेटें लगानी है। सबसे पहले हमने पिनअप कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फाइनली मेरा दोनों कली अटैच हो गया है। अब हम बीच में निशान लगाएंगे इस तरह से और पिनअप करते जाएंगे। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे।
फाइनली हमने सेंटर में भी सिलाई लगा लिया है। और ये देखिए दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम आसन में सिलाई लगाएंगे। दोनों सेंटर में एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम बेल्ट में इस तरह से प्लेट अटैच करेंगे लगभग 1.5 इंच का। और ये हमने जो मार्क लगाया था मैं वहाँ सेंटर वाले पार्ट को लाऊंगी इस तरह से। उसके बाद इनर लेग में सिलाई लगाना है। तो फाइनली हमारा लहरिया सलवार बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।